हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक ब्लॉग बनाने का एक रीज़न है कि आप सभी अपने बाइक हो, कार हो, जो भी अपने अपने गैजेट्स हैं या फिर टॉयज हैं, सबको अपने अपने मतलब एक लगाव सा जैसा रहता है। तो सो आज का ये ब्लॉग है कि कैसे आप अपनी पुरानी बाइक की शाइन को फिर से वापस ला सकते हैं एक नई शाइन, नई बाइक की तरह। So, अभी देख सकते हैं कि जो मेरा गाड़ी का है यहाँ पर साइन ख़त्म हो गया है, जो शाइनी है, जैसे कि यहाँ पर कितना साइन कर रहा है, कंपेयर कर सकते हैं ये और ये शाइनी कितना साइन कर और ये साइन नहीं कर रहा। वैसे ही आगे का जो पार्ट है देखिए, ये उतना अभी साइन बाकी नहीं रहा, और जैसे कंपेयर कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, ये और ये सब और यहाँ का सब हो गया। हम सब इसको कलर करेंगे, फिर नए की तरफ बनाएंगे, और ये जो पार्ट है इसको भी हम कलर करेंगे और इसको भी हम कलर करेंगे। तो पहले इस बॉडी को निकालते हैं, क्यों निकालेंगे, हेडलाइट निकालेंगे, सब निकालने के बाद इसको। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने टोटली मेरा गाड़ी का पूरा मैंने खोल दिया हूँ, पार्ट्स जितना भी है, कवर जितना था खोलना था खोल दिया, आधा काम हो चुका है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो मैंने इसको जो चेन था, चेन को डीजल से साफ़ किया हूँ। सो गाइस, अभी देख सकते हैं ये जो पेपर है सैंड पेपर, और इसको पानी लगा के इस तरह से हम को लगाना है, जो पार्ट है इस तरह से इसको हल्का करके, ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्का करके आप इसको लगाना है इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा कोट चला गया। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सैंड पेपर, पानी और सैंड पेपर लगा के इसको थोड़ा रब कर दिया हूँ। आपको ज़्यादा रब नहीं करना है, जब तक इस टाइप का ये देख, आप देख सकते हैं इस टाइप का नहीं हो जाता है तब तक आपको रब करना है। जैसे कि यहाँ पर इसका शाइनिंग पार्ट है और ये शाइन पार्ट को सिर्फ आपको हटाना है, और ज़्यादा ज़ोर से भी रब नहीं करना है, देखिए नहीं तो स्क्रैच पड़ जाएगा। तो इसको मैंने कर लिया हूँ, इसको भी मैंने कर लिया हूँ ये वाला पार्ट। तो अभी मैंने गाड़ी को धो दिया हूँ, गाड़ी को धोने के बाद ऊपर धो के थोड़ा रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा घिस के रखा हूँ। जो ये पार्ट है इसको भी मैंने पानी सैंड पेपर लगा के इसको रब कर दिया हूँ, इसको भी मैंने कवर कर लिया हूँ ताकि इसमें कलर ना लगे, ये सबको मैंने कर दिया हूँ, और उसको भी मैंने रब, उसको हम कलर करेंगे मैट ब्लैक। और ये वाला भी सब मैंने इसको रब कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं पूरा टोटल रब हो चुका है, अब इसको हम कलर करेंगे। ये है मैट ब्लैक और इसको इससे हम कलर करेंगे। सो इसको पहले यूज़ करने से पहले इसको एक मिनट तक इसे सेक करें, पूरा अच्छी तरह से सेक करें एक मिनट तक। सेक करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, 1 फुट का डिस्टेंस जितना, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट का कलर करना है तो इस इतना डिस्टेंस से आप इसको पेंट करेंगे, इसको जेंटली स्प्रे करना है। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि इसको सब पानी लगा के, सैंड पेपर लगा के इसको घिस दिया हूँ, अब हम इस पर कलर करने जा रहे हैं। सो पहला कोट हो चुका है, अभी अब हम इसको दूसरा कोट करेंगे, सेकंड कोट। तो चलिए इस लगाते हैं।
ये रहा क्लियर कोट, इसको हम क्लियर कोट करने जा रहे हैं अभी। जो पैनल था मैंने धोया, इसके ऊपर स्प्रे कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं शाइनिंग आया। जो ये वाइट वाइट है ये बाद में सूख जाएगा, तो अभी देखिए इसका चमक। सो ये वाला भी जो था, ये वाला भी सब मैंने इसको करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी चमक कितनी आ रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि बाहर सब सूखा हुआ है, रख दिया हूँ लगा के। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें धूप में सुखा हूँ। अभी मेरा जितना भी पेंट जॉब था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसको सुखा भी दिया हूँ। सुखाने के बाद मैंने उसको गाड़ी को इंस्टॉल भी कर दिया हूँ। करने के बाद मैंने क्या किया हूँ कि मैंने उसमें लाइक एक कोई भी पॉलिश से उसको आप उसको पॉलिश करना है, तो मैंने पॉलिश किया हूँ। ये मोटोमैक्स मैंने पॉलिश यूज़ किया हूँ, इसका भी मैं आपको रिव्यू जल्दी दूँगा। ये मोटोमैक्स मैंने पॉलिश से उसको साफ किया हूँ और रिजल्ट देखिए अभी।